अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं कद्दू का रायता, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लाइट होता है ये। और गर्मियों में ख़ास तौर पर जब किसी चीज़ को दिल ना करे तो फिर ये बनाएं और खूब मज़े से खाएं। तो इसके लिए हमने ले लिया हाफ के जी कद्दू और इसको धो के अच्छी तरह से तो हमने क्रश कर लिया कद्दूकश की मदद से। और इसको हमने डाल दिया एक पतीली में, इसमें हमने 1 कप पानी का डाल दिया और इसको हल्की आंच करके ढक के तो पकने के लिए रख दिया। 10 से 15 मिनट में इसको हमने अच्छी तरह से ये जब पक गया तो उतार के स्ट्रेनर में स्ट्रेन कर लिया और ठंडा होने के लिए रख दिया। अब हमने ले लिया 1 kg के करीब दही, घर का बना हुआ खालिश दही है और बहुत गाढ़ा और मीठा है, इसके लिए दही अच्छा होना चाहिए। और इसको हमने एक बड़े बाउल में निकाल लिया, दही को हमने डाल के बड़े बाउल में तो अच्छी तरह से फेंट लेना है। इसमें हमने 1 टेबल स्पून डाल दिया ग्रीन चटनी का और 1 टीस्पून इसमें काली मिर्ची डाल दी और 1 टीस्पून ही हमने इसमें नमक डालना है और 1 टीस्पून के करीब ही हमने इसमें ज़ीरा भी डाला था, वो स्किप हो गया। तो इसको हमने अच्छी तरह से फेंट लेना है ताकि सारी चीज़ें मिक्स हो जाएं और दही में गुठली ना रह जाए और ये बहुत अच्छा सा स्मूथ मिक्सचर बन जाए। इसके अंदर अब हमने ठंडा किया हुआ कद्दू ऐड कर दिया, जितना इसमें रिक्वायरमेंट होगी उतना ही हम डालेंगे, हमारा थोड़ा सा बच गया था। कद्दू को ठंडा करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि दही में डालेंगे तो फिर पानी छोड़ देगा अगर गर्म होगा। तो कद्दू को ऐड करके हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब इसमें बाकी की चीज़ें डालेंगे, जिसमें हम डाल रहे हैं इसमें 2 अदद सब्ज़ मिर्चें बारीक कटी हुई और प्याज डालेंगे इसमें 1 दरमियाना बारीक स्लाइसेस में कटा हुआ, ये बहुत ही मज़े का लगता है इसमें। बहुत ही मज़ेदार और ये टेस्टी बन जाता है रायता। और कद्दू वैसे भी हमारी सुन्नत है, इसको खाना चाहिए ज़रूर, जिस तरह भी खाया जाए। और इसमें हमने टमाटोज़ डाल दिए थोड़े से, 1 बड़ा टमाटो लिया था हमने, इसको बारीक काट लिया और वो भी ऐड कर दिया। बहुत ही मज़ेदार इसका जायका है। इसमें हम रेड चिलीज़ नहीं डालते, इसमें सिर्फ हम ब्लैक पेपर्स ही डालते हैं। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ठंडा और बहुत ही टेस्टी ये बन चुका है। इसमें एंड पे हमने डाल दिया धनिया और पुदीना के पत्ते थोड़े से बारीक बारीक काट के, बहुत ही मज़े के लगते हैं ये। और हमारा रायता तैयार हो चुका है और इसको रोटी के साथ खाएं, चावलों के साथ खाएं या वैसे ही चम्मच के साथ खाएं, बहुत ही मज़ेदार ये लगता है। तो ये आप भी बनाइए, अल्लाह करे आपको बहुत पसंद आए और आपका बहुत अच्छा बने। इसको हमने इस तरह से गार्निश कर लिया, डिश आउट कर लिया और अल्लाह करे आपका भी बहुत अच्छा बने। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।